माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं राहुल गांधी की जाति पर लेकर। लोकसभा में काफ़ी बवाल हुआ, अनुराग से भिड़ गए अखिलेश यादव। राहुल गांधी ने कहा लोकसभा में अनुराग ने मुझे गाली दी है। चलिए वीडियो देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अखिलेश यादव ने कहा जाति कैसे पूछी इनने। लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम। सर ओबीसी की बात, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ, मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही, लोकसभा में काफ़ी बहस हुई। अनुराग जी, माननीय सभा बैठ जाए, कृपया आप लोग बैठ जाए, आप बैठ जाए, अच्छा आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। गौरव जी, माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने OBC को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने OBC को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे, आप लोग बैठ जाएं। मैं आप सर, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। सर, उन्होंने इंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, मैं उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए, प्लीज आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अनुराग जी, कल किस चीज़ का इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा। अच्छा एक मिनट बैठ जाए। सर एक मिनट, मैं क्लैरिटी कर दूँ। सर मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए। आप सब लोग बैठ जाए। चल, अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए, सर बोलने दीजिए, सर मैं आपको बोलने दीजिए, सर ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे, श्री अनुराग ठाकुर जी, आप
भैया हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके, ये नहीं, आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी, सर मुझे लगता था कि इनको कहीं कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आपने, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूँगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर? सर सर सर, माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था जिस ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने ही है, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं, आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? सर मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान, अब फिर बोलना चाहते हैं आप, खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो, आप लोग जाइए बिल से बात, एलओपी प्लीज आई एम गिविंग, तो आप बिल से तो जाइए सर, स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूँ तो आप माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा, बेल खाली कर दीजिए, इतनी अच्छी वर्षा, पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन, आप राहुल ने कह दिया अभी हम, अब आप अपने लीडर का सम्मान करें, हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें, हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें, मिस्टर केसरी मैं प्लीज बोल दी, मिस्टर राहुल गांधी, स्पीकर सर, बोलने का मन क्या था स्पीकर सर, इस सर माइक नहीं, सर माइक यहाँ से नहीं जाती सर, जो भी माइक आ जाएगा स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है, और मैं ये सब गालियाँ खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ
मच्छी की आंख दिख रही है, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव 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 जी नहीं गौरव जी आप देखिए, गौरव जी आपको हमने समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टेक है उसको निकलवाऊंगा। ठीक है आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंड करूंगा। आपने कह दिया सुन रहा हूँ। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल इतना सभापति महोदय, सभापति महोदय स्वागत है, क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है वे। केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, आप बैठिए, नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, आप हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले, कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।